मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ गेहूं के आटे और दही का बहुत ही ज्यादा टेस्टी, बहुत ही ज्यादा हेल्दी नाश्ता। फ्रेंड्स, आपने आज तक ऐसा नाश्ता कभी नहीं खाया होगा, ये इतना ज्यादा टेस्टी और बहुत ज्यादा हेल्दी है। तो मैं आज आपको इस नाश्ते को दो तरह से बनाना बताऊंगी, आपको जो तरीका पसंद आए आप उस तरह से इस नाश्ते को बना के खा सकते हैं। फ्रेंड्स, ये बच्चों को बड़ों को बहुत ज्यादा पसंद आएगा, प्लीज आप एक बार इसको जरूर ट्राई करके देखिएगा। तो चलिए इस नाश्ते को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले एक मिक्सिंग बाउल लेंगे और ये लिया है मैंने यहाँ पर एक कटोरी गेहूं का आटा, ये डाल देंगे इसमें। गेहूं के आटे की जगह आप इसमें सूजी ले सकते हैं, एक कटोरी या बेसन भी ले सकते हैं। अब हम इसमें आधी चम्मच नमक डालेंगे और 1/4 चम्मच हम इसमें हल्दी का पाउडर डालेंगे और 1/4 चम्मच हम इसमें ये काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। यहाँ पर मसाले हमें बहुत ही कम डालने हैं क्योंकि जब हम स्टफिंग बनाएंगे तो उसमें भी हम मसाले यूज करेंगे, बट अब हम इसमें मसाले इसलिए डाल रहे हैं जिससे कि ये ऊपर से फीका फीका ना लगे। अब मैंने ली है थोड़ी सी धनिया की पत्तियाँ, थोड़ी सी हम इसमें से डाल देते हैं, थोड़ी सी हम बचा लेंगे बाद में स्टफिंग के लिए। तो अब हम ये सभी चीज़ों को अच्छे से मिला देते हैं। हल्दी मैंने इसमें इसलिए डाली है जिससे कि नाश्ते का अच्छा कलर आ जाए, अगर आपको कलर नहीं चाहिए तो आप हल्दी को ना डालें। तो मैंने सारी चीज़ों को मिला दिया है। तो अब मैंने लिया है 1 कप पानी, इसमें से हम एक थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका एक बैटर बना के तैयार कर लेंगे। हमें इसका बहुत ज़्यादा ना तो पतला बैटर बनाना है, ना ही बहुत ज़्यादा हमें इसको थिक बैटर बनाना है। जिस तरह से नॉर्मल हम चीला बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही पकौड़े बनाते हैं, बिल्कुल वैसा ही हमें इसका बैटर बना के तैयार करना है। तो अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। तो मैंने यहाँ पर 1 कप पानी और ले लिया है, अच्छे से हम इसको मिलाते जाएंगे। तो ये हमारा बैटर बनके तैयार हो गया है। ये देखिए, जब हम बैटर को गिराए ना तो बिल्कुल इस तरह की कंसिस्टेंसी में गिरना चाहिए, देखिए बिल्कुल इस तरह का, यानी कि जो हमारा बैटर है बिल्कुल परफेक्ट बना है। और मैंने इसमें टोटल 1.5 कप पानी का यूज किया है, यानी कि 1 कटोरी गेहूं के आटे के लिए 1.5 कटोरी पानी इसमें यूज हो गया है। तो अभी हम इसको कवर करके साइड से रख देते हैं जब तक हम इसके लिए स्टफिंग बना के तैयार कर लेते हैं। तो स्टफिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कटोरी दही ले लिया था। दही को मैंने रात भर छलनी में इस तरह से रख दिया है, आप देख सकते हैं बिल्कुल थिक दही हमें मिल गया है, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं बचा है, सारा पानी इसमें से कटोरी में अलग निकल चुका है। हमें इसको फ्रिज में ही रखना है, चाहे आप रात में रखें या दिन में रखें, आपको इसको फ्रिज में ही रखना है क्योंकि बाहर रखने से खट्टा भी हो सकता है। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप इसको 1 घंटे के लिए भी रख सकते हैं इस तरह से, तब भी इसमें से सारा पानी निकल जाता है, बट मैंने रात भर के लिए ऐसे छोड़ दिया था इसको। तो अब हम एक मिक्सिंग बाउल ले लेते हैं और इसमें हम ये सारे दही को डाल देंगे। ये देखिए, मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ, ये देखिए बिल्कुल पनीर की तरह बन गया है, ये देखिए बिल्कुल दही जैसा लग ही नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये पनीर है, बिल्कुल ऐसा ही दही हमें बनाना है। फ्रेंड्स, इससे बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनता है, आप एक और इस तरह से बना के ज़रूर देखिएगा। तो अब मैंने ले ली हैं कुछ यहाँ पर ये सब्जियाँ, सब्जियों में मैंने यहाँ पर 1 प्याज ली है जिसको मैंने इस तरह से बिल्कुल फाइन चॉप किया है, 1 टमाटर लिया है जिसको मैंने इस तरह से बारीक काट लिया है, 1 शिमला मिर्च ली है बिल्कुल बारीक काट लिया है, सब्जियों को बारीक ही काटना है इसमें, 1 मैंने यहाँ पर खीरा ले लिया है जिसको मैंने बारीक काट लिया है और 1 बड़े साइज की मैंने हरी मिर्च को इस तरह से बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। फ्रेंड्स, इस टाइम इस सीजन में आपके पास जो भी सब्जियाँ अवेलेबल है वो आप ले सकते हैं, कोई भी सब्जी आप इसमें से हटा सकते हैं, जैसे कि शिमला मिर्च नहीं है तो हटा दीजिए, अकेले प्याज टमाटर डाल के हरी मिर्च डाल के भी इसको आप बना सकते हैं, बट मेरे पास ये सारी सब्जियाँ पड़ी हुई थी तो मैं ये इतनी सारी सब्जियाँ डाल रही हूँ, अगर आपके पास कम है तो कम डाल सकते हैं, बट अगर और भी सब्जियाँ हैं आपके पास जैसे कि गाजर है, लौकी डाल सकते हैं, गाजर डाल सकते हैं, आप इसमें कच्चा आलू भी डाल सकते हैं, जितना चाहे आप इसको बना सकते हैं टेस्टी अपने अकॉर्डिंग, जो भी सब्जियाँ आपके पास अवेलेबल है ना वो ले लीजिए आप। अब हम ये सारी सब्जियों को इसमें डाल देंगे। तो मैंने सारी सब्जियों को डाल दिया है और उसमें हम ये धनिया की पत्तियों को भी डाल देंगे। तो मसालों में हम यहाँ पर ये 1/3 चम्मच जीरा डालेंगे, 1/2 चम्मच हम इसमें ये चाट मसाला डाल देते हैं, इससे इसमें बहुत ही बढ़िया चटपटा सा टेस्ट आता है। 1/2 चम्मच हम इसमें नमक डालेंगे, 1/3 चम्मच हम इसमें ये काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। तो मसाले हम यहाँ पर हिसाब से डालेंगे क्योंकि मैंने इसमें बैटर में भी मिर्च डाली थी तो मैंने इसमें हरी मिर्च भी डाली है, तो 1/3 चम्मच मैंने इसमें काली मिर्च का पाउडर यूज किया है।
तो अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच के करीब टमाटो सॉस। टमाटो सॉस डालने से इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, तो मैं यहाँ पर 2 चम्मच के करीब इसमें डाल दूंगी। ये देखिए मैंने यहाँ पर करीब 2 चम्मच इसमें डाल दिया है। ये अब हम ये सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं दही के साथ। तो ये लीजिए मैंने यहाँ पर सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये हमारी बिल्कुल परफेक्ट, देखिए इस तरह से ये स्टफिंग बनके तैयार हो गई है। बिल्कुल भी पतली नहीं है, देखिए बिल्कुल थिक है, इसीलिए हमें इसमें थिक दही डालना पड़ता है जिससे कि हमारी जो स्टफिंग है फैली फैली सी ना हो, यानी कि पतली ना बने। तो स्टफिंग हमारी अच्छे से बन चुकी है और इधर देखिए बैटर ने भी अच्छे से रेस्ट कर लिया है, बिल्कुल परफेक्ट बन चुका है। तो सारी चीज़ें तैयार हैं, तो अब हम चलते हैं गैस की तरफ, नाश्ता बना लेते हैं। अब हम गैस ऑन करके एक तवा रखेंगे, तवे पर हम थोड़ा सा ऑयल लगा देते हैं, ऑयल को अच्छे से इस पर फैला देंगे। इस नाश्ते में बहुत ही कम तेल का यूज होता है। अब मैंने जो बैटर बनाया है उसको थोड़ा सा पहले इस तरह से हिलाएंगे, उसके बाद अब हम इसमें ये बैटर डाल देते हैं। एक साथ पूरा पूरा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा सा ही डालेंगे। अगर आप ज़्यादा बड़ा बनाना चाहते हैं तो हम ज़्यादा डाल सकते हैं। तो इनको पहले हम नीचे से थोड़ा सा सिकने देते हैं, उसके बाद हम इनको पलटेंगे। तो ये देखिए नीचे से हल्के से सिक चुके हैं, आप देख सकते हैं ऊपर से इनका जो कलर है थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब हम इनको पलट देते हैं। तो ये मैंने इनको पलट दिया है, आप देख सकते हैं नीचे से इनका जो कलर है वो हल्का सा चेंज हो गया है, यानी कि थोड़े से सिक चुके हैं। तो अब मैंने जो यहाँ पर स्टफिंग ली है उसमें से हम 1-1 स्पून भर के इसमें स्टफिंग डाल देते हैं, यानी कि जितनी अच्छे से इसमें लग जाए। तो ये देखिए स्टफिंग को मैंने काफ़ी अच्छे से इसमें फैला दिया है। तो अब हमने जो बैटर लिया है उसमें से हम फिर से बैटर लेंगे और बैटर से अब अच्छे से इसको कवर कर देते हैं, सारी स्टफिंग को कवर कर देंगे। साइड से अगर थोड़ा बहुत फैल रहा है तो आप उसकी टेंशन ना लें, बस आप इसको अच्छे से कवर करें, वो हट जाएगा। बट गैस का जो फ्लेम है उसको स्लो ही रखना है, बिल्कुल स्लो फ्लेम पर ही सेकना है, नहीं तो क्या होगा कि हम जब तक स्टफिंग लगाते रहेंगे वो नीचे से जल जाएगा। अब ये साइड से थोड़ा बहुत फैल गया है, उसको भी हम साफ कर देंगे बाद में। ये देखिए इस तरह से अच्छे से हमें इसको कवर करना है। अब जो साइड से थोड़ा बहुत फैला हुआ है ना, उसको हम इस तरह से इसके ऊपर ही कर देंगे। ये देखिए इस तरह से शेप दे देंगे गोल। तो ये देखिए इस तरह से मैं इनको बिल्कुल गोल शेप दे दी है। अब हम इनको कवर कर देते हैं 2 मिनट के लिए अच्छे से सिकने के लिए। तो 2 मिनट हो चुके हैं, अब हम इनको चेक कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं इनका जो कलर है वो चेंज हो चुका है। अब हम इनमें थोड़ा थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे, बस थोड़ा थोड़ा सा लगाना है। अब हम इनको पलट देते हैं, तो सावधानी से पलटना है। इस तरह से अगर ये हो जाए ना तो आप इस तरह से स्पून से कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होती है ऐसे। ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है, आप देख सकते हैं। अब हम इसको फिर से कवर करके इसी तरह से 2 मिनट के लिए और सेक लेते हैं। तो 2 मिनट के बाद अब हम इसको फिर से चेक कर लेते हैं, तो हम इसको फिर से पलटेंगे। तो ये दोनों साइड से अच्छे से सेक चुके हैं, तो अब हम इनको इसमें से निकाल देते हैं। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ दूसरे तरीके से बनाना, कि हमें इसको 2 तरीके से कैसे बना सकते हैं। अगर आपको इस तरह से झंझट लग रहा है बनाने में तो आप एक तरह से और बना सकते हैं इसको, वो इससे थोड़ा सा आसान है बनाना। तो इस तरह से मैंने ऑयल लगा दिया है, अब हम इस पर भी बैटर डाल देंगे 1-1 छोटा स्पून भर के। तो इस तरह से मैंने इनको फैला दिया है। अब हमने जो स्टफिंग लगाई है उसको हम इसी टाइम पे इस पर ऊपर से लगा देते हैं। ये तरीका थोड़ा सा ज़्यादा सिंपल है उससे बनाने में, इसमें ज़्यादा झंझट नहीं लगता है। तो आपको जो भी तरीका पसंद आए आप उस तरीके से बना सकते हैं इसको। ये देखिए अच्छे से मैंने स्टफिंग लगा दी है, तो अब ये मेरे को कवर करके 1 मिनट के लिए सेकेंगे,
क्योंकि ये नीचे से थोड़ा सा सेक गया हो गया जब तक हमने स्टफिंग लगाई है, तो अभी एक मिनट ही तक हमें इसको सेकना है। तो एक मिनट के बाद अब हम इसको चेक करेंगे। थोड़ा सा ऑयल लगा देते हैं ऊपर से, हल्का हल्का सा। तो अब हम इसको पलट देते हैं। तो देखिए अच्छे से मैंने इनको पलट दिया है। अब जो साइड से सब्जियों का थोड़ा बहुत पानी इसमें से निकल रहा है ना, तो आप स्पून से उसको थोड़ा बहुत ऐसे अंदर ही कर दें, क्योंकि पानी है सब्जियों में से निकल गया है थोड़ा बहुत, तो वो अभी अपने आप सूख जाएगा। अब हम इसको कवर करके 2 मिनट के लिए ऐसे ही सेक लेते हैं। 2 मिनट के बाद अब हम इनको फिर से चेक करेंगे। अब हमें सावधानी से पलटना है, क्योंकि इस तरह से आप स्पून अंदर करेंगे तो सब्जियां भी निकल सकती हैं। ये देखिए बिल्कुल धीरे से, ये देखिए कितना बढ़िया कलर आ गया है नीचे से भी। तो नीचे से हमें इनको ज़्यादा सेकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब्जियां दही हैं तो वो ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती उनको। ये देखिए बहुत ज़्यादा प्यारा कलर आया है, मैं आपको थोड़ा सा पास से दिखा देती हूँ। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो आप चाहें तो इनको ऐसे भी खा सकते हैं इस तरह से निकालने के बाद, क्योंकि अच्छे सिक चुके हैं। अगर आप और थोड़ा सा नए तरीके से इसको खाना चाहते हैं तो क्या करें, इस तरह से आप एक उठा लीजिए, इसको हम इस तरह से इसके ऊपर डाल देंगे, इस तरह से डाल देंगे। ये देखिए इस तरह से थोड़ा सा बर्गर स्टाइल में बन जाएगा, देखने में लगेगा कि ये बर्गर है। ये देखिए किसी को इस तरह से सर्व करेंगे ना अपने घर में, तो कोई यकीन ही नहीं करेगा कि ये, वो समझेंगे कि ये बर्गर है। ये देखिए बिल्कुल बर्गर जैसा लग रहा है देखने में। तो आप चाहे तो इस तरह से खा सकते हैं, या आप वैसे भी खा सकते हैं जैसे मैंने अभी आपको बताया था। वाह कितना यम्मी लग रहा है फ्रेंड्स, देखिए बहुत ही सुंदर कलर आया है इसका। तो आप जो भी तरीका आपको पसंद आए आप उस तरीके से बना सकते हैं। तो ये लीजिए हमारा गर्मा गर्म नाश्ता सर्व करने के लिए तैयार है। तो आप चाहे तो इस तरह से सैंडविच बना के खा सकते हैं, या आप इस तरह से भी आप इसको स्टफ्ड चीला की तरह बना के भी खा सकते हैं। अब मैं आपको इसको थोड़ा सा कट करके दिखा देती हूँ कि अंदर से कैसा लग रहा है। तो अब हम एक पिज्जा कटर से इसको कट करेंगे, आप चाकू की हेल्प से भी इसको काट सकते हैं। ये देखिए मैं आपको अंदर से इसकी स्टफिंग दिखा देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा यम्मी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही है देखने में। ये देखिए तो आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं, या टमाटो सॉस के साथ भी खा सकते हैं, कैसे भी आप इसको खाएं बहुत टेस्टी लगेगा फ्रेंड्स। तो आप एक बार इस नाश्ते को ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कौन सा तरीका ज़्यादा पसंद आया है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी रेसिपी को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। फिर मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।